এবার বাংলাদেশের উপর কু নজর পড়েছে আমেরিকার, এবং আমেরিকার হাত থেকে যে কোনো মূল্যে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হবে ভারতকে। কারণ বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যদি উৎখাত হয়, সেক্ষেত্রে সব থেকে বেশি বিপদগ্রস্ত হবে ভারত। একথা আমেরিকা তো বলছে, ভারতীয় মিডিয়া তো তারা আর কী কী বলছে সেটা দেখবো আমাদের আজকের মূল ভিডিওতে। পুরো ভিডিওটি আপনার সাথে আছে, আমি ইয়াদুল হক গালিব, আপনারা দেখছেন দ্য রিমার্কেবল মিডিয়া। अमेरिका की विदेश नीति दुनिया के लिए परेशानी बनती जा रही है। रूस यूक्रेन जंग भड़काने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ था। इसके अलावा इतिहास पर नजर डालें तो अमेरिका ने इराक, वियतनाम और अफगानिस्तान में तबाही मचा दी। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कहा था कि उनकी कुर्सी अमेरिका ने छीनी है। लेकिन अब अमेरिका भारत के दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश में राजनीतिक संकट लाना चाहता है। अमेरिका बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका हमारी सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। शेख हसीना का आरोप अगर सही है तो ये भारत के लिए बड़ा संकट हो सकता है। आपको बता दें कि शेख हसीना भारत की करीबी मानी जाती हैं। शेख हसीना की वजह से ही बांग्लादेश में भारत की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। अमेरिका की साजिश इन सब पर पानी फेर सकती है। बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर शेख हसीना की सरकार गिर जाती है तो भारत विरोधी खालिदा जिया बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री बन सकती हैं। खालिदा जिया को पाकिस्तान और चीन का करीबी माना जाता है। 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तब खालिदा जिया की पार्टी के लोगों ने पीएम मोदी का विरोध किया था, सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया था। हैरानी की बात यह है कि जिस समय अमेरिका भारत से अपने संबंध मजबूत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो ऐसे समय में अमेरिका भारत के पड़ोसी देश में चीन और पाकिस्तान से प्यार करने वाली खालिदा जिया को क्यों लाना चाहता है। अब आपको दो बड़ी वजह बताते हैं कि अमेरिका बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार क्यों हटाना चाहता है। दरअसल शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ी और नए देश बांग्लादेश की नींव रखी। अमेरिका नहीं चाहता था कि बांग्लादेश एक अलग देश बने, इसीलिए 1971 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। वो तो शेख मुजीबुर रहमान को भारत और रूस का साथ मिल गया तभी बांग्लादेश का निर्माण हो सका। अमेरिका को यही एक चिढ़ है। इसके अलावा हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए एक प्रस्ताव पर वोट नहीं डाला, जिसके बाद अमेरिका बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार से और भी ज्यादा नाराज हो गया। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार से अमेरिका की नफरत भारत को भारी पड़ जाएगी। बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान की समर्थक खालिदा जिया अगर आती हैं, तो इसकी कीमत भारत को ही चुकानी पड़ेगी। भारत को जल्द ही इस मामले में बड़ा एक्शन लेना होगा, नहीं तो बांग्लादेश को पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওতে যে বলা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা হওয়ার কারণেই বর্তমান সরকারকে দেখতে পারে না যুক্তরাষ্ট্র, আসলে এটা সম্পূর্ণ ভুল। হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ সঠিক কথা যে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই চায়নি যে বাংলাদেশ নামের কোনো একটা দেশ এই বিশ্বের বুকে জন্মগ্রহণ করুক। কিন্তু সেটা হচ্ছে পুরনো কথা। বর্তমান কথা যদি বলি, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ সরকারের মাঝে একটা খারাপ সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পিছনে মেন কারণই কিন্তু হচ্ছে চীন এবং রাশিয়া। যুক্তরাষ্ট্র যখনই বাংলাদেশের কাছে চীন এবং রাশিয়া বিরোধী কোনো প্রস্তাব এনেছে, বাংলাদেশ সবসময় তাতে নাই বলেছে। এবং জাতিসংঘ যখন চীন বিরোধী কোনো প্রস্তাব বা রাশিয়া বিরোধী কোনো প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে, বাংলাদেশ সবসময় তার হয়তো বিপরীতে কিংবা তার থেকে তাকে ভোট দেওয়া থেকে বিরোধ থেকেছে, যার ফলে বাংলাদেশ এক প্রকার যুক্তরাষ্ট্রের নজরে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু যতই যুক্তরাষ্ট্রের নজরে পড়ে যায় না কেন, আমার মনে হয় না যে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারকে, মানে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারকে উৎখাত করা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কোনোভাবে সম্ভব হবে। কারণ বর্তমানে বাংলাদেশের ভেতরে কিন্তু নতুন কোনো সরকার বা সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরিস্থিতি নেই। তাই এটা আমি হই, আপনারা হন, আমরা সবাই কিন্তু এটা ভালোভাবেই জানি, মানে যে যেই দলই করেন না কেন, আমরা সবাই কিন্তু এটা খুব ভালোভাবেই জানি যে আগামী ইলেকশনে আসলে কে বিজয়ী হবে। তাই ঘরভাবে আপনার মন্তব্য আপনারা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম।